हाथों की लकीरों ने क्यों ढूंढूं मैं खुशियां जब जीवन ये अपना मैंने तुमका सौंप दिया। अब तो होगा वो ही मेरे शाम जो चाहेगा। अरे अब तो होगा वो ही मेरे शाम जो चाहेगा। और कि तेरे होते ओ मेरे बाबा मुझे कौन हराएगा। तेरे होते ओ मेरे बाबा मुझे कौन मुझको है भरोसा तू मेरी लाज बचाएगा। गाइए। अरे मुझको है भरोसा कि मेरी लाज बचाएगा। अरे भरोसे के साथ कहना कि तेरे होते ओ मेरे बाबा मुझे कौन हराएगा। जिसको है भरोसा कि जब तक उसने हाथ पकड़ रखा है मैं हार नहीं सकता। कौन कौन नहीं हार सकता उस बाबा के होते हुए? कौन कौन नहीं हार सकता? एक बार उठा कर लंबे में हाथ, जितने भाई बैठे हैं समर्पण वाले हाथ, ये ऊंचे हाथ और ये मिलकर तालियां। 1 2 3 भोलेनाथ की, गणेश जी महाराज के दरबार गया तो लिखा देखा बोलो गजानन सरकार की, राधे कृष्ण के दरबार गया तो लिखा देखा बोलो राधे कृष्ण सरकार की, जब सियावर रामचंद्र के दरबार गया तो लिखा देखा बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सबके दरबार गया, सबके नाम लिखे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे बाबा के दरबार जाते हो ना सा, वहां एक ही बात लिखी है कि हारे के सहारे की। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर कि हारे के सहारे की। कि मन की बात सावरी आज सुना हाँ।
दरबार में आने के बाद के करनो है नहीं बताना, तालियां बजाओ ना एक बार। अब 5 मिनट मुझे सुनो, उसके बाद आपकी मर्जी, आप आगे गाओ गाओ ना गाओ, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण ने मां द्रौपदी की लाज बचाई। अगले ही दिन पांचों पांडव और मां द्रौपदी एक साथ बैठे थे। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि 6 के 6 एक साथ बैठे हैं, श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, पांडवों ने बड़े आदर के साथ, बड़े सत्कार के साथ श्री कृष्ण को बैठाया। लेकिन जैसे ही मां द्रौपदी ने श्री कृष्ण को देखा, मां द्रौपदी गुस्सा हो गई कि तू भाई है। अरे सिर्फ भाई नहीं है, भगवान है। सारी दुनिया जानती है कि तुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन कल ही की बात है, तो मुझे बहन कहता है तेरी इसी बहन की भरी सभा में लाज लुट रही थी, तू सबसे अंत में क्यों आया, सबसे अंत में क्यों आया। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे बहन इसमें मेरी गलती नहीं है, तूने अंत में बुलाया तो मैं अंत में आया, तू पहले ही बुला लेती तो मैं पहले ही आ जाता। अब तू याद कर, जिस समय तेरी लाज लुट रही थी क्या तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे नहीं बुलाया, अपने रिश्तेदारों को, ताऊ को, चाचा को, मामा को, ससुर को, अपने पतियों को पुकारा। लेकिन जब देखा कि कोई काम नहीं आया, मैंने सोचा कि शायद अब मुझे बुलाएगी, लेकिन तूने तब भी नहीं बुलाया, तूने साड़ी खुद पकड़ ली कि शायद तू दुशासन को रोक सकती है। लेकिन जब साड़ी छूट रही थी और जिस समय मेरी तरफ हाथ उठाए, तो बोले तेरी लाज बचाई कि नहीं बचाई, बोले ना लाज बचाई कि नहीं बचाई, बचाई। तूने अंत में बुलाया, मैं अंत में आया, ये तो थी तेरी गलती। अब तेरे पतियों की सुन, जिस समय कौरवों ने कहा कि हमारी ओर से पैसे हमारा मामा फेंकेगा, अरे तेरे पांचों पति वहां थे, पूछ। तेरे पांचों पतियों में कोई एक भी तो कह सकता था कि तुम्हारी ओर से अगर तुम्हारे मामा फेंकेंगे तो हमारी ओर से हमारा कृष्ण पासा फेंकेगा। जब मैं पासा फेंकता और देखता कि तेरे पतियों को हराने वाला है कौन, तुम अंत में बुलाओगे वो अंत में आएगा। आज मौका है, पहली बार में बुला लो। किस किस के जीवन के पासे हैं बाबा श्याम के हाथ, किस किस के जीवन के पासे हैं, एक बार ये ले मिले में हाथ, ये मिल गया एक बार। स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ,
एक बेचारा गूंगा आकर बैठ गया दरबार में, दोनों पीछे बैठ गए। मेरे जैसा ही एक भजन गाने वाला आ गया स्टेज पर। अब वो जैसे ही भजन गाए वो सबको बोले कि गाए गाओ गाओ गाओ, सब गाने लगे। लेकिन जो वो भला मनुष्य था ना, जो स्वस्थ था, वो ऐसे बैठा, आज कोई कुछ भी कर ले मैं नहीं गाऊंगा, वो ऐसे बैठा कि गाऊं ही नहीं। और जो बेचारा घूंगा था ना, वो आऊं 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 करके बोले ही जाए गाए जाए, रुके ही ना। अब जो स्वस्थ आदमी था उसके सर में दर्द हो गया, कहने लगा भाई तू बैठ जाना, तब से आया आऊं आऊं करे जा रहा है। बोला तुझसे जाता नहीं, क्यों गाता है, बैठ जा तू करके। जब इतनी बात उस घूंगे ने सुनी, अब वो बेचारा बोल तो सकता नहीं, लेकिन लिखकर जो उत्तर दिया वो सुनिए। कहने लगा रे भाई गुस्सा होने की बात नहीं है, अगर तेरा नसीब खराब है तो इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या करूं। कहने लगे मेरा नसीब कैसे खराब है। कहने लगा कि तुझसे ज्यादा बदनसीब और मुझसे ज्यादा किस्मत वाला इस दुनिया में कोई नहीं। उसने फिर पूछा कि भाई बता तो सही कैसे। कहने लगा तू बोल सकता है वो फिर भी तुझसे नहीं बुलवा रहा, मैं बोल नहीं सकता वो फिर भी मुझसे बुलवा रहा है। अब ये बात ऐसे ही नहीं गई, नोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुनते थे, नोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुनते थे। अब जिस उम्र में वो भाई हमारा फोन ले रहा है ना, उस उम्र से लेकर आज तक जिस उम्र में माए अपने बच्चों को लोरिया गाकर सुनाती है कि लल्ला सो जा, उस उम्र से लेकर आज तक की लोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुनते थे, लोरियों की जगह तेरे भजनों को सुनते थे, सुनकर तेरे भजनों को सपने यही बुनते थे, सुनकर तेरे भजनों को सपने ये मिलकर सारे मेरे मां
चार में, ज्यादा नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि दो घंटे गाओ, चार घंटे, छह घंटे, नहीं, बेशक गाओ पांच मिनट, लेकिन गाना समर्पण भाव के साथ। यहाँ जितने प्रेमी बैठे हैं, अगर बैठे उस बाबा के लिए तो तालियां बजाओ ना एक बार। गाना पड़ेगा, रमन की बात सावरिए ने आज सुना के देख रे, सुना के देख रे के करनो है नहीं बतानो, के करनो है नहीं बतानो, बस चरणा माथो टेक ले, मन की बाता सावरी आज सुना के दे। और जिसने मन की बात सुनाई है वही तो दरबार में आकर जयकार लगाते हैं कि हार